नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। व्हाट्सएप ने भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा पहली बार है जब व्हाट्सएप ने किसी देश में एक साथ इतने सारे अकाउंट को बैन किया हो। आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सएप के 500 करोड़ यूजर्स हैं। वहीं व्हाट्सएप के अनुसार ये बैन कंपनी की अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है, जिसमें इन अकाउंट में कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी गई जो कंपनी के नियमों के खिलाफ है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप इससे पहले भी भारत सहित दूसरे देशों में इस तरह के बैन लगाता रहा है। वहीं भारत में 50 करोड़ से अधिक यूजर्स के साथ व्हाट्सएप देश का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। सितंबर में व्हाट्सएप को भारत में रिकॉर्ड 10,442 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई। वहीं इनमें से 85 पर कार्यवाही की गई है, जिसका अर्थ है कि इन खातों को प्रतिबंधित कर दिया गया या फिर बहाल कर दिया गया है। कंपनी के अनुसार इस यूजर सिक्योरिटी रिपोर्ट में प्राप्त यूजर शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयों का वितरण शामिल है। इसके अलावा कंपनी को सितंबर में देश में शिकायत अपीलीय समिति से 6 आदेश मिले और उन्होंने इसका अनुपालन किया। लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति लॉन्च की है, जो कि सामग्री और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी चिंताओं को देखती है। बता देते हैं, नवगठित पैनल बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई अपील का गौर करेगी।